BSNL और MTNL, ये जो कंपनियां हैं ये सरकारी कंपनी है, आपकी और मेरी कंपनी है। 2013 तक BSNL और MTNL बहुत अच्छे सर्विसेज देते थे, पूरे देश भर में बहुत अच्छा इनका सर्विस था। मगर जैसे 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब से BSNL को लगातार कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचा गया। 2014 के बाद इनके मित्र मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो का शुरुआत किया। जब रिलायंस जियो का शुरुआत किया तो इनके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हम मोबाइल टावर का क्या करेंगे, क्योंकि मोबाइल टावर इंस्टॉल करने के लिए पूरे देश में बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जगह लगेगी और सब कुछ लगेगा। मगर सरकार ने BSNL का ही जो टावर थे, जो करीबन 10 सालों में करीबन 135,000 टावर्स थे, ये रिलायंस को दे दिया। रिलायंस ने अपना CPU यूनिट उस टावर पे लगाया और अपना जियो का काम शुरू किया। आज रिलायंस जियो को 4G का लाइसेंस सरकार देती है, मगर खुद सरकार सरकारी कंपनी BSNL और MTNL को 4G का लाइसेंस नहीं देती है। इसका कारण जो यूजर्स थे वो धीरे धीरे BSNL से शिफ्ट होकर जियो में चले गए। आज सरकार के जितने बिल्डिंग्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, पुलिस स्टेशन से लेके बैंक्स हुआ, सब लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट जियो को दे रहा है और BSNL को और MTNL को धीरे धीरे बंद करने के कगार पे ले आए। अगर सरकार सिस्टमेटिक तरीके से अगर सरकारी कंपनी को बंद करेंगे तो जनता कहाँ पे जाएगी और जनता के, इस देश के जनता का क्या होगा। धन्यवाद।